जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी छवि भारद्वाज को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस पर मांगलिक कार्यक्रम की आड़ में साड़ी बांटने की शिकायत की है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता द्वारका मिश्रा और गिरिराज कपूर वार्ड की पार्षद मंजुला मिश्रा के घर में मांगलिक कार्यक्रम की आड़ में साड़ी वितरित कर रहे हैं, जिसके बाद जिला निर्वाचन की टीम ने कांग्रेस नेता द्वारका मिश्रा और गिरिराज कपूर और वार्ड की पार्षद मंजुला मिश्रा के घर दबिश दी। इस दौरान गोरखपुर और गढ़ा थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। हालांकि टीम जब कांग्रेस नेता द्वारका मिश्रा के घर पहुंची तो उन्हें वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जिससे माना जाए कि वह वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान साड़ी बांटी जा रही थी, गहने बांटे जा रहे थे, रुपए बांटे जा रहे थे। उसमें विवेक तन्खा जी की वाइफ भी थी, उनकी सास भी थी। इस प्रकार का कृत्य मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या है। इसका प्रमाण आज हमने कलेक्टर मैडम से शिकायत की, चुनाव आयोग को शिकायत की है कि इसमें जब्ती जो की जानी थी, जो साड़ियाँ थी वहाँ पे, साड़ियों के पैकेट से उसके प्रमाण हमने प्रस्तुत किए कि जो महिलाएं साड़ी ले लेके पहुँच रही थी वहाँ पे, निकल रही थी, उसके प्रमाण सहित हम कलेक्टर मैडम, चुनाव आयोग को शिकायत की, ऑब्जर्वर जी को भी शिकायत करने हम कलेक्टर वहाँ एक नंबर सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं। इसमें कार्रवाई की मांग की थी। हार को जो है हार पे बौखलाना नहीं चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से ही ट्रीट करना चाहिए। इस बात के लेके हम जो है माननीय चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। वित्त मंत्री तरुण भनोट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन आयोग पर पीएम नरेंद्र मोदी के दबाव पर काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की फिजा खराब करने के लिए, भोपाल की आबोहवा खराब करने के लिए लोकसभा टिकट देकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भेजा है। शिवराज जी के बारे में भी कहा था कि अत्याचारी है, दमनकारी है, तो क्या अपने उस बयान पर आज भी कायम है? इससे और मेरे शराब से शिवराज जी बर्बाद हो जाएंगे, ये तो आपके पास भी रिकॉर्ड है। मैं मीडिया के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, सभी टीवी चैनलों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उसको भी चलाइए आप टीवी पर, और हेमंत करकरे जी को हम सलाम करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात उन्होंने कही है और उसका जवाब उन्हें भोपाल की जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान की जनता आने वाले चुनाव में। शनिवार को जबलपुर में वित्त मंत्री तरुण भनोट अपने समर्थकों के साथ गोरखपुर थाने में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराने पहुंचे। उन्होंने टीआई से प्रज्ञा के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर मामला दर्ज नहीं हुआ तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। आज बोले ना सब खड़े होकर, मैं भी हेमंत करकरे तो हमें गर्व होगा, गर्व की अनुभूति होगी कि एक व्यक्ति जिसने अपनी देश के लिए जान दी, हमारे भारत के अलग अलग मजहबों से और धर्मों से आने वाले लोग, विभिन्न प्रकार की अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोग सब उस शहीद का अनुसरण कर रहे हैं जिसने भारत माता की रक्षा के लिए, हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे बहुत खुशी होती है बोलते हुए कि मैं भी हेमंत करकरे, साध्वी जी मुझे भी श्राप दे, मैं तैयार हूं उनका श्राप। जबलपुर विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का अधिवक्ता मिलन समारोह होटल समदड़िया में रखा गया। इस दौरान जबलपुर से लोकसभा प्रत्याशी राकेश सिंह को जिताने के लिए प्रकोष्ठ ने एकता दिखाई। राकेश सिंह के लिए इतने अधिवक्ता यहां इकट्ठे हैं, वो विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के सब अनुयायी हैं, उसमें सदस्य हैं, वो सब काम करेंगे और यहां से अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राकेश सिंह को विजयी बनाने के लिए सब इकट्ठे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।